क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। बस आगे चले जाओ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, इट मींस रेडियस हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला लिख दिया है, आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बोलती भी चलो, जो लिखती हो उसको बोलती भी रहो। उन्होंने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, एक बार थोड़ा हट जाओ बेटा। उन्होंने डेसिमल को फ्रैक्शन में कर लिया 24/10 और उसको लिख दिया 0.7 को 7/10। हो सकता है इससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए अब इसका नोट को भी थोड़ा बड़ा कर दो, नीचे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को नीचे कर दो। एलसीएम आराम से 100 हो जाएगा और दोनों का सम करेंगे 625 स्क्वायर रूट आसानी से निकल कर यहीं पे लिख दो इक्वल टू, एक बार इसमें वीडियो में आ रहा है नहीं आ जाएगा ना, हाँ यस 25/10 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। उसके आगे कंटिन्यू कर मिटाना नहीं, उस साइड उस साइड। अब क्या निकाल रही हो? बोलती रहा करो, ठीक है ना? टीएससी आप जो लिख रहे हो इसको बोलो। तो अभी हम इससे हम टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इस सिलेंडर का सरफेस टॉप सरफेस एरिया प्लस करना होगा, हमें ये नीचे का सर्कल का एरिया चाहिए होगा और ये जो कोन है इसका टॉप सरफेस एरिया चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं सबसे पूछ लूँ। बहुत अच्छा कुछ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। भाई यार कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाए बेटा, वहां दिस इंप्लाइज ना लगाओ इक्वल लिखो, क्योंकि वही लाइन हम आगे बढ़ा रहे हैं। 2h + r + l सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 22/7 * 1 मिनट। देखो यहाँ पर अपने हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए डेसिमल को हटा देते हैं और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे थोड़ी सी आसान होता है कैलकुलेशन। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में नियरेस्ट सेंटीमीटर्स को
स्क्वायर पूछा था, इसलिए हमने 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को राउंड ऑफ करके 18 कर दिया। करेक्ट ना, ऐसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन था, इसलिए उन्होंने 17.6 को 18 सेंटीमीटर लिख दिया, अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट। ठीक है ना, वेरी गुड।